हेलो एवरीवन, रिसेंटली मैंने आपको अभी टेंसेस पढ़ाए हैं, तो उसके बाद जो एक टेस्ट की एक्सरसाइज जो मैंने रखी है वो आपके लिए प्रेजेंट की रखी है। तो प्रेजेंट टेंस के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसके अंदर कवर किया कराए हैं मैंने, और जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने डाले हैं। तो क्योंकि आपने वो पढ़ लिया है प्रेजेंट टेंस, तो उसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश जॉन रिसेंटली, हैव यू सीन, हैड यू सीन, डिड यू सी, वर यू सीन। सबसे पहले आपको ध्यान कर, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट में हो आप, और कोई चीज़ रिसेंटली मतलब बिल्कुल हाल ही में, बिल्कुल प्रेजेंट में। तो कोई एक्टिविटी बिल्कुल प्रेजेंट के अंदर है तो एक चीज़ आपको कंफर्म है कि पास्ट से तो रिलेट है नहीं, क्योंकि रिसेंटली रिसेंटली आया है तो यहाँ पे, और वो फिनिश हो चुका है, कि क्या आपने हाल ही में जॉन को देखा है, इसका मतलब ये है। तो हैड सीन नहीं हो सकता, डिड यू सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट तो हमने अभी पढ़ा नहीं और पास्ट की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। वर यू सीन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका हैव यू सीन। क्यों हैव यू सीन आएगा, क्योंकि कोई काम प्रेजेंट तक आ गया है। सपोज मैं स्कूल में जाता हूँ 8 बजे और अभी 3 बज रहे हैं, और मैं सर से पूछ रहा हूँ कि सर क्या आपने मेरे फ्रेंड जतिन को देखा है, तो मतलब कब, पास से लेकर बिल्कुल प्रेजेंट तक, क्या आपने अभी तक। तो कोई काम बिल्कुल प्रेजेंट तक आ जाता है तो उसमें लगाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैव यू सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल डैश ऑन वाटर इज फ्लोटिंग, तैर रहा है, यूज टू फ्लोट, तैरता था, फ्लोट्स, तैरता है, विल फ्लोट, तैरेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फैक्ट की बात हो रही है, हैबिचुअल एक्टिविटी है, कोई फैक्ट की बात हो रही है। देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ जो ऑयल है क्या वो अभी तैर रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप? नहीं। जो वाटर होता है, वाटर के ऊपर अगर आप ऑयल पोर करेंगे, डालेंगे, तो वो हमेशा ही तैरता है। तो अब ये काम क्या हो रहा है, तीनों टाइम में हो रहा है। तो जो काम तीनों टाइम में होता है हम क्या लगाते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑयल क्या है मेरा, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे फ्लोट आंसर आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। द ओल्ड सोल्जर वॉज अ कमांडर इन द वॉर, जो सोल्जर था वो कमांडर था वॉर के अंदर। कमांडर की स्पेलिंग ध्यान कर लेना गाइस, आती है एग्जाम में। तो ओल्ड सोल्जर वॉज अ कमांडर इन द वॉर, नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में, और कोई चीज़ प्रेजेंट में हो रही है तो वो आईएनजी में होती है। तो ओल्ड सोल्जर वॉज अ कमांडर इन द वॉर, बट आजकल वो पेंशन पर रह रहा है, तो क्या लगाएंगे इसका आंसर, इज लिविंग। नेक्स्ट, आई हैव हर्ड अबाउट तानाजी, मैंने तानाजी के बारे में सुना, मूवी के बारे में, बट आई डैश इट येट, लेकिन येट का मतलब होता अभी तक, तो मतलब मैंने तानाजी मूवी के बारे में देखा तो है लेकिन अब तक नहीं देखी है, मतलब बिल्कुल प्रेजेंट तक बात आ गई, कंप्लीशन हो गया कि मैंने अब तक नहीं देखी है। तो आप बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या लगाएंगे आप, हैवंट सीन। डज शी इन द न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर में लिखती है, मान लो कोई आर्टिकल लिखती है, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि उसके बारे में पूछ रहा हूँ, क्या वो न्यूज़पेपर में लिखती है। अब देखिए, डज है सिंपल प्रेजेंट टेंस, डज किस में लगता है, सिंगुलर, शी सिंगुलर है। मैंने आपको बताया था जो वर्ब लगती है तो वो वर्ब लगेगी हमारी राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एस लगा के प्लूरल बना, सिंगुलर बना दिया, तो हम यहाँ राइट्स नहीं लिखेंगे। तो डज शी राइट इन द न्यूज़पेपर, कुछ आपके एरर फाइंडिंग में भी आ सकते हैं, बहुत बेसिक एक्सरसाइज चल रही है हमारी। हैव यू वॉश द क्लोथ्स येस्टरडे, क्या आपने कल कपड़े धोए थे। सबसे पहली चीज़, हैव यू वॉश मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये कहाँ पे आता है, ये वहाँ पे आता है जब कोई काम फिनिश हो चुका होता है रिसेंटली। येस्टरडे का मतलब पास्ट, तो पास्ट की तो बात होती ही नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया भी था, नेवर मेंशन टाइम, टाइम कभी मेंशन नहीं करते। तो एरर क्या है इसका, एरर है आप लोगों का ए में, कि हैव यू नहीं आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, सॉरी, हैव यू तो आ सकता है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आएगा, येस्टरडे नहीं आएगा, क्योंकि टाइम रेफरेंस नहीं दे सकते ना आप। तो आपका एरर क्या हो गया, आपका एरर हो गया सी में। दे हैव बीन सेंट द पार्सल्स टू द कंपनी, मतलब वो कंपनी को पार्सल सेंट कर चुके हैं। मान लो मैं यहाँ कंपनी का मालिक हूँ, मुझे बोल रहे हैं कि हम तीन कुछ टीम मेंबर हो, कह रहे हैं कि हमने सर आपको पार्सल सेंड कर चुके हैं, वो कर चुके हैं मतलब फिनिश हो चुका है। तो दे हैव, यहाँ बीन की रिक्वायरमेंट नहीं, तो एरर इसका है ए में, क्योंकि आपको पता है जो काम फिनिश हो चुका है उसमें हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव सेंट ओनली, यू डोंट नीड टू एड बीन, बीन पैसिव में आता, अभी पैसिव में पढ़ेंगे, अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, बिल्कुल गलत सेंटेंस था ये। तो फर्स्ट एरर है, दे हैव सेंट आया, क्योंकि भेज चुके हैं, फिनिश हो चुका है। इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग द चेस फ्रॉम 1997, इंडिया जो है वो चेस खेल रहा है 1997 से, बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन आई हैव टोल्ड यू कि जो फ्रॉम, जो मैंने आपको बताया था कि जो सिंस लगता है, कब लगता है, स्टार्टिंग टाइम, तो 1997 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का, सिंस आएगा गाइस, फ्रॉम नहीं आएगा। नेक्स्ट, दीज कार्स आर बिलोंगिंग्स टू मी ही सेड येस्टरडे, अब आपकी कोई चीज़ है तो आपकी कोई चीज़ है वो हमेशा आपकी है, तो आप क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, These cars are belonging, no, these car belongs to me होगा guys. She has been studying in the college since the last 4 years. ये मैंने आपको बताया नहीं था लास्ट क्लास में, जहाँ पे मेरी वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं भी आपको बताता हूँ। सिंस द लास्ट नहीं होता, आप हमेशा लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक क्वेश्चन और आता है, सिंस
आप लिख सकते हो सिंस लास्ट फोर, सिंस लास्ट 4 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। या फिर लिख सकते हो फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। तो यहाँ पे सिंस में फोर भी लग सकता है, बट उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा लास्ट। फोर लगाओगे लेकिन फोर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, द। तो या तो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे फोर द, या फिर लगाएंगे सिंस लास्ट ईयर। तो गाइज ये कुछ प्रैक्टिस रखी है मैंने, छोटे से क्वेश्चन रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल। एक बार मैं आपको टेंस फिनिश करा दूं, उसके बाद मैं आपको एडवांस क्लास के अंदर सिर्फ हम टफ क्वेश्चन करेंगे, यू नो, जो आपके एग्जाम में आते हैं, सीजीएल, बैंकिंग, यू नो, सेबी, रेलवे, जिस भी जितने भी एग्जाम है सबके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर करेंगे। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार दोबारा से प्रेजेंट टेंस को पढ़िएगा, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस को। थैंक यू गाइज।